इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू प्रोजेक्टर, वो भी लिमिटेड बजट में, तो ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि आपको कम से कम में एक बेस्ट फुल्ली लोडेड प्रोजेक्टर मार्केट में मिल जाए। तो इसी टास्क को सिंपल करने के लिए आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड के C9 रियल HD प्रोजेक्टर का, जिसकी स्टार्टिंग रेंज है 9990 और इसमें मीराकास्ट एंड एंड्रॉइड वेरियंट भी अवेलेबल है। तो जो प्रोजेक्टर मेरे पास है ये है एंड्रॉइड वेरियंट, जिसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो ये बॉक्स है एक्स इलेक्ट्रॉन के C9 स्मार्ट एंड्रॉइड रियल HD प्रोजेक्टर का। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। सबसे पहले एक्सेसरीज का बॉक्स, जिसके अंदर एक पावर केबल, HDMI केबल, 3.5mm टू RCA केबल, IR बेस्ड रिमोट, एंगल एडजस्टमेंट एंड एक यूजर मैनुअल। एंड फाइनली हियर इज द एक्स इलेक्ट्रॉन C9 स्मार्ट एंड्रॉइड रियल HD प्रोजेक्टर। और बॉक्स के अंदर फाइनली एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकली है एंड्रॉइड वेरिएंट के लिए। सो नाउ लेट्स रिमूव द रैप ऑफ दिस प्रोजेक्टर। अब अगर इस प्रोजेक्टर की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पे आए तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पे आपको एक्स इलेक्ट्रॉन की ब्रांडिंग के जस्ट ऊपर IR ब्लास्टर मिल जाएगा, उसके बाद एक प्रोजेक्टर लेंस मिल जाता है। अगर राइट साइड की बात करें तो एयर वेंटिलेशन ग्रिल की जस्ट साइड में आपको पावर पोर्ट मिल जाता है। अगर आप रियर साइड पे जाते हो तो यहाँ पे आपको एक एयर इनटेक फैन मिलता है एंड कॉर्नर पे VGA पोर्ट मिल जाता है। इसके बाद अगर लेफ्ट साइड पे आए तो यहाँ पे दो HDMI पोर्ट के साथ दो USB पोर्ट, एक 3.5mm ऑडियो जैक और एक 3.5mm ऑडियो वीडियो पोर्ट। एंड एट लास्ट यहाँ पे आपको एक एयर आउटलेट ग्रिल मिल जाती है, जिससे इसकी सारी हीट डिसिपेट होने वाली है। अब अगर इसके अपर साइड की बात करें तो ये आता है ग्लोसी फिनिश के साथ। कॉर्नर पे आपको एंड्रॉइड एंड वाईफाई की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इधर आपको एक कीस्टोन करेक्शन की के साथ फोकस डायल मिल जाता है। एंड यहाँ पे कुछ फिजिकल की दी गई है जो कि मेटेलिक फिनिश के साथ आती है। इस प्रोजेक्टर के बॉटम पे आपको 3 वोल्ट का इनबिल्ट स्पीकर देखने को मिल जाता है, जिसका ऑडियो सैंपल आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्टर का जो ओवरऑल बिल्ड मटेरियल है वो है प्लास्टिक, लेकिन जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, नॉन टॉक्सिक है और काफी ज्यादा रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग भी है। अब अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस प्रोजेक्टर के 3 वेरियंट आते हैं। जो बिल्कुल बेसिक वन है उसमें आपको कोई ना कोई सोर्स एक्सटर्नली लगाना होगा। दूसरा जो वेरिएंट है वो है मीराकास्ट और एयरप्ले, यानी कि आप अपने फोन की स्क्रीन उन पे कास्ट कर सकते हो। और जो तीसरा वेरिएंट जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं ये बिल्कुल सेम है बेसिक और मीराकास्ट एयरप्ले वाले से, लेकिन इसमें एडिशनली आपको एंड्रॉयड मिल जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जो स्पेसिफिकेशन है एंड्रॉयड वेरियंट की वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो कॉमन होगा वो मैं आपको अलग से नोटिफाई कर दूंगा। तो ये आता है 1GB रैम 8GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ, क्वाड कोर CPU इसमें आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई का सपोर्ट भी है। जो ब्लूटूथ का वर्जन है वो है 4.0 और ये सिंगल बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई सपोर्ट करता है। अब जो स्पेसिफिकेशन एंड फीचर मैं आपको इस प्रोजेक्टर से रिलेटेड बताने वाला हूं ये तीनों वेरिएंट में कॉमन है। सबसे पहले ये एक HD प्रोजेक्टर है जिसकी लूमेंस इंटेंसिटी है 3800 एंड यहां पे जो ANSI लूमेंस है वो है 380। इस प्रोजेक्टर से आपको 35 इंच से लेके 180 इंच तक का स्क्रीन साइज मिल जाता है और जो मैक्सिमम स्क्रीन साइज है 180 इंच, उसके लिए आपको वॉल एंड प्रोजेक्टर के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अभी वॉल पे जो स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रहा है इसका जो नेटिव रिजोल्यूशन है वो है 720x1280। दैट मींस ये प्रोजेक्टर आपको HD प्रोजेक्शन प्रोवाइड करता है और जो यहां पे आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है वो है 60Hz। जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो है 2000:1, जिसके साथ आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा परफेक्ट मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर के प्रोजेक्टर लैंप की जो लाइफ है वो है 60,000 hours। दैट मींस अगर आप इसको 24x7 लगातार चलाते हो तो अराउंड 6 से 7 साल के अंदर इसका जो प्रोजेक्टर लैंप है वो वीक होना, यानी कि जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी डल होना स्टार्ट होगी। लेकिन ऑन दी अदर साइड 1 साल की आपको वारंटी मिलती है इस प्रोजेक्टर के साथ, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इस प्रोजेक्टर में जो आपको मीराकास्ट एंड एयरप्ले फीचर मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड वाले वेरिएंट में या फिर स्पेसिफिक मीराकास्ट और एयरप्ले वाले वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे जो फंक्शनैलिटी है मीराकास्ट या एयरप्ले की, मैंने दोनों को टेस्ट करके देखा है, बहुत परफेक्ट तरीके से और लेटेंसी फ्री काम करता है। एंड यू कैन सी कि काफी ज्यादा जबरदस्त आपको फील आएगा जब आप मीराकास्ट या एयरप्ले यूज करते हो। इस प्रोजेक्टर में आपको मैनुअल कीस्टोन करेक्शन तो मिलता ही है, लेकिन यहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन करेक्शन भी मिलता है। दैट मींस आप पिक्चर को जूम इन जूम आउट अलाइन भी कर सकते हो अपनी वॉल पे,
साथ ही साथ अगर आप इस प्रोजेक्टर को वॉल पे माउंट करना चाहते हो, सीलिंग माउंट करना चाहते हो, टेबल पे रखना चाहते हो, तो यहाँ पे पिक्चर को फ्लिप करने के, या फिर अगर आप पिक्चर को रखते हो कर्टन के पीछे, दैट मीन्स स्क्रीन के पीछे, तो यहाँ पे आपको मिरर इमेज भी मिल जाती है, जिसके बाद जो आपको पिक्चर दिखेगी वो बिल्कुल सही दिखने वाली है। इस प्रोजेक्टर की अगर ऐप कंपेटेबिलिटी की बात करें तो ये प्रोजेक्टर सभी ऐप्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स, एमेजोन प्राइम, Z5, हॉटस्टार, यूट्यूब या जितनी भी ऐप्स आप अपने एंड्रॉयड टीवी पे या आजकल जितनी भी स्ट्रीमिंग ऐप्स पॉपुलर हैं, वो सभी की सभी आप अपने इस प्रोजेक्टर पे एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोजेक्टर में आपको इनबिल्ट ऐप स्टोर मिलता है, तो वहां पे सारी की सारी ऐप्स अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। एक्स इलेक्ट्रॉन C9 सीरीज के जितने भी प्रोजेक्टर हैं ये BIS सर्टिफाइड है, दैट मींस ये इंडियन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन होती है वो ये प्रोजेक्टर इजिली हैंडल कर लेते हैं। अब काफी लोगों के मन में डाउट होगा कि 3800 लूमन्स के साथ ये प्रोजेक्टर आता है तो पिक्चर क्वालिटी किस तरीके की होगी, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि अगर आप इस प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन स्क्रीन ले रहे हो, या तो डार्क रूम होना चाहिए, और अगर आपके रूम में लाइट आती है या फिर आप इसको आउटडोर में यूज करना चाहते हो, तो जो सिल्वर स्क्रीन आती है वो आप इस प्रोजेक्टर के साथ यूज करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो यहाँ पे आपको स्क्रीन की क्वालिटी मिलती है, ब्राइटनेस मिलती है, वो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ना तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा और ना ही कोई चीज मिस होने वाली है। इस प्रोजेक्टर में आपको इनबिल्ट 3 वोल्ट का स्पीकर मिलता है, तो पहले सैंपल सुनो फिर बात। वैल्यू तो मिलेगी, साथ ही साथ जो पास्ट में आपने गलतियां की हैं, यहाँ पे जो 3 वोल्ट का इनबिल्ट स्पीकर आपको मिल रहा है, इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा शार्प, लाउड एंड क्लियर है। 100% वॉल्यूम के बाद भी यहाँ पे कोई ऑडियो डिस्टोर्टेड होती हुई नहीं दिखाई देगी। बेस आप इससे एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन वोकल्स ट्रेबल की बात करें तो वो आपको इसके साथ एकदम परफेक्ट मिल जाती है। अगर आपके पास कोई होम थिएटर या एक्स्ट्रा स्पीकर नहीं है तो आई तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर इस प्रोजेक्टर से रिलेटेड अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो ये प्रोजेक्टर इस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा जबरदस्त है। अगर आप बेसिक वेरियंट परचेज करना चाहते हो, दैट मीन्स आप अपने किसी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को, सेट टॉप बॉक्स को, लैपटॉप पीसी को अटैच करके ही पिक्चर इंजॉय करना चाहते हो, तो बेसिक वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट प्रोजेक्टर चाहते हो तो मीराकास्ट एयरप्ले, जिसके साथ आप फोन को अटैच कर सकते हो और जो आपकी फोन की स्क्रीन पे चल रहा है वही आपके प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर अगर आप एक कंप्लीट स्मार्ट प्रोजेक्टर चाहते हो, देन ये वाला वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आता है एंड्रॉइड 6 के साथ, सारी की सारी एप्स इसके साथ कंपेटेबल है और आपको किसी एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आपको डायनामिक रेंज, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशो, हर चीज एकदम परफेक्ट मिल जाती है। 180 इंचेस का स्क्रीन साइज इनफ है अगर आप घर में देखते हो, और यहाँ पे जो आपको 3800 लूमेंस इंटेंसिटी की ब्राइटनेस मिल रही है वो भी इनफ रहती है डार्क रूम के लिए, या फिर आप सिल्वर स्क्रीन भी इसके साथ यूज कर सकते हो, बाकी कोई भी डिटेल्स इतनी ब्राइटनेस पे मिस नहीं होती। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको तीनों वेरिएंट के परचेज के लिंक दिए हैं, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में इसके बाद भी कोई क्वेरी, सजेशन या कुछ भी है तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक यहां पे है, जाके फॉलो करके आप अपनी क्वेरी वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।